माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मीटिंग हुई, बहुत खुशगवार माहौल में हुई। उन्होंने मुझे इलेक्शन जीतने की, मुख्यमंत्री बनने की बधाई दी और अच्छी सेहत की कामना की। और मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से कहा कि जो पंजाब है, ये देश की आज़ादी में भी और आज़ादी को कायम रखने में भी अपना सीना तान कर खड़ा रहता है। नेशनल सिक्योरिटी के लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए होगा, क्योंकि कई बार कोशिशें कर चुके हैं देश के दुश्मन कि पंजाब का माहौल बिगड़ जाए, लेकिन पंजाब की जो सोशल बॉन्डिंग है पंजाब के लोगों की, वो बहुत स्ट्रांग है। भाईचारक सांझ, अमन शांति लोग चाहते हैं और उसको बना के रखा जाएगा। तो प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि आप जो भी हमारे पास कोई प्रस्ताव लाओगे देश की सिक्योरिटी के लिए, तो हम आपका सहयोग करेंगे। और दूसरी बात मैंने बोली कि पंजाब जो है उसकी वित्तीय स्थिति बहुत ही ख़राब है, 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्जा है। दिन रात मेहनत कर रहे हैं हम, आम आदमी पार्टी की तरफ से नई सरकार बनी, अभी 1 हफ्ता ही हुआ है, कि जो माफिया है जो खजाने को लूटता था उसको ख़त्म करके खजाने को दोबारा भरा जाए। तो मैंने मांग की है उनसे कि 50,000 करोड़ पर ईयर कम से कम 2 साल के लिए अगर हमें एक पैकेज मिल जाए पंजाब के लिए, तो तब तक हम अपने खजाने को, अपनी वित्तीय स्थिति को संभाल लेंगे, पंजाब अपने पांव पर खड़ा हो जाएगा। तो 2 साल के लिए 50,000 करोड़ पर ईयर, 1 लाख करोड़ का मैंने पैकेज मांगा है। मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी FM के साथ बात करके ये भी कहा कि मिलके देश को आगे बढ़ाना है, तो मैंने भी यही कहा कि जी मैं पंजाब का विकास करूंगा तो देश का विकास होगा। क्योंकि पंजाबी में एक शायर है प्रोफेसर मोहन सिंह, उन्होंने लिखा था, भारत है वांग मुंदरी विच नग पंजाब दा। जैसे अंगूठी में नग होता है, पूरा देश एक अंगूठी है, नग जो है वो पंजाब है। बदकिस्मती से उस नग का रंग थोड़ा फीका हो गया था पिछली सरकारों की वजह से, उस नग को दोबारा चमकाएंगे और पंजाब को दोबारा देश का नंबर वन सूबा बनाएंगे। बहुत ही खुशगवार माहौल दे विच गलबात हुई है। प्रधानमंत्री जी ने मैनू जित दी ते मुख्यमंत्री बनने की बधाई दी। मैं भी उन्होंने फुलों का बुके ते एक शॉल पेंट किया, तो उन्होंने सफलता की, सेहत की, वधिया चंगी सेहत की कामना की। तो मैं उन्होंने यही कहा प्रधानमंत्री जी के बॉर्डर स्टेट है, सानू नैशनल सिक्योरिटी वास्ते तुहाडे सहयोग की लोड़ पवेगी, पंजाब सरकार वालों असी जो भी होगा असी तुहाडा सहयोग करांगे, क्योंकि लेटेस्ट तकनीक दुश्मन ले फिरते हैं, उन्होंने काउंटर करने लेटेस्ट तकनीक जोड़ा इक्यूपमेंट सानू भी चाहिए। इस तो अलावा मैं क्या जी साड़ी पंजाब की जी वित्तीय हालत है बहुत तरसयोग है, 3 लाख करोड़ का कर्जा छड़ के गए ने पिछले सरकारां वाले, ते जे किते 50,000 करोड़ पर ईयर 2 साल लई दे दो तो असी 3 साल तक पंजाब नूं असी पैरां से कर लांगे, माफिया राज जिहड़ा खत्म करके उह खजाना भरना शुरू करांगे। ते भारत की आज़ादी दे विच 90% योगदान, ते आज़ादी नूं हुण कायम रखने लई साडे नौजवान
ਉਸ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੂਗਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਹੈ ਵਾਂਗ ਮੁੰਦਰੀ ਵਿੱਚ ਨਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਸੋ ਨਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕ ਚੁਣ ਬੈਠੇ। ਉਸ ਨਗ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣਾ, ਉਹ ਨਗ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚਮਕੂਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚਮਕਾਊਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ ਨਾਲ ਅਤੇ FM ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ।